ये आ गई भाई बिहारी बोटी, नहीं ये धागा है, ये बिहारी और वो बिहारी, और ये आ गया ब्रेन फ्राई पराठे। चलें भाई ये मेरा फेवरेट, इसको पहले मैं ऐसे ही ट्राई कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज संडे का दिन है और रात के तकरीबन बज रहे हैं 12, और एज़ यूजल हम लोग आज भी लेट निकल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए कराची में, नॉर्थ के एरिया में एक बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है डोनिजल के नाम से, चीपेस्ट मेरे हिसाब से पूरे कराची का जो चीपेस्ट आपको बिहारी कबाब मिलेगा और सबसे बेस्ट बिहारी कबाब मिलेगा वो डोनिजल में मिलेगा। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। 400 के अंदर अंदर जो है ना आपको बिहारी कबाब की एक अच्छी भरपूर तरीके से भरी हुई प्लेट मिल जाती है और बहुत बेहतरीन इनका जो है टेस्ट है। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि क्या मंगवाया है। बिहारी कबाब ही मंगवाने का मूड है, तो शायद ब्रेड मसाला भी मंगवा लें, देखते हैं क्या मंगवाना है, लेकिन बिहारी कबाब तो मस्ट है। ठीक है, तो 400 के अंदर है, मतलब इससे कम में कहीं भी नहीं मिलता, मैंने पिछले कोई तकरीबन 1.5 साल में इससे कम में कहीं पे भी नहीं देखा। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके आप लोगों से शेयर करते हैं कि क्या सीन्स हैं। और उन्होंने अपना जो रेस्टोरेंट है उसको भी रेनोवेट कर लिया, बहुत अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया। पहले थोड़ा सा लोकल टाइप था, अभी भी लोकल ही है बट रूफ टॉप के ऊपर है और बड़ा अच्छा एनवायरमेंट उन्होंने कर दिया, बहुत बड़े तरीके का बना दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं। बड़ा पुराना रेस्टोरेंट है ये, मेरे ख्याल है बचपन से मेरे ख्याल है मेरे ये रेस्टोरेंट एग्जिस्ट करता है और आज तक उसी तरीके से चल रहा है माशाल्लाह। ठीक है, चलते हैं फिर आप लोगों को दिखा देंगे क्या सीन है। हाँ बना रहा हूँ। चलो आओ। हाँ बेटा। हाँ बेटा। चले भाई, आ गए हम लोग डोनिजल के ऊपर। तो अब जा रहे हैं ऊपर, जो फर्स्ट फ्लोर पे इनका बना हुआ है ना, रूफ टॉप समझ लें इनकी, तो वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ बेटा, ये स्टेप्स है भाई। जी तो हम लोग आ चुके हैं अब डोनिजल पर और हमें एक टेबल मिली है, बट ये टेबल हमें इतनी पसंद नहीं आ रही है, हमें आगे फ्रंट की टेबल चाहिए क्योंकि वहाँ से ना पूरा रोड का व्यू आता है और बड़ी वहाँ पे ना हवा भी अच्छी आती है। ठीक है, तो वहाँ का भी देखते हैं, वहाँ का अगर हो जाता है तो फिर वहाँ जाके बैठेंगे। ठीक है, बाकी ये जो है नॉर्थ की तरफ बना हुआ है डोनिजल, क्योंकि आपने देखा होगा बाहर का जो मैंने व्यू दिखाया है तो बहुत ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर सका बाहर का व्यू, बट ये है कि इन्होंने बड़ा अच्छा एनवायरमेंट कर दिया। एल ब्लॉक की जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, नॉर्थ की जो पट्टी है पूरी जो लंडी कुतुल चौरंगी से 5 स्टार की तरफ रोड जा रहा है वहाँ बना हुआ है। अभी अगर मुझे टेबल दूसरी मिल जाती है तो मैं आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये पूरी बाकायदा फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको हर ऑलमोस्ट ब्रांड भी मिलेगा जो खाने पीने के हवाले से चेंज है, बाहर की या लोकल या इंटरनेशनल, और पूरी रौनक वाली पट्टी है पूरी। देखें भाई, सामने डबियन डोनर बना हुआ है, सामने हॉट एंड स्पाइसी बना हुआ है, आगे पीछे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा बट इस पट्टी के ऊपर जो है बर्गर क्लॉक भी है, यहाँ पर कराची ग्रोज भी है, पिज्ज़ा मैक्स वगैरह भी है, तो ऑलमोस्ट सारे ही यहाँ पर ना फ्रेंचाइजेज मौजूद हैं इस पूरी पट्टी के ऊपर, पूरी फूड स्ट्रीट के ऊपर। मिल गई है मैं वहाँ पे नसीब से, वो वहाँ पे जा रहे हैं। हेलो, ये कोने की टेबल हमें मिली है और ये जो है ना सामने बाहर रोड साइड पूरा व्यू है, ये आगे सारे रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं। साफ करने दो इनको, ये टेबल है अभी अभी यहाँ से ना उठ के गए लोग, तब यहाँ पे बैठेंगे इंशाल्लाह। ये सामने बिलाल हसन भाई कोयला कढ़ाई वाले हैं, आगे पूरी फूड स्ट्रीट है, स्वाद के नाम से एक बेकरी भी है जो यहाँ पर आगे बनी हुई है, मजदा हलीम भी यहाँ पर एक इनफैक्ट खुल गया, एक ब्लॉग जो हमने बनाया था मजदा हलीम का वो यहीं का था। ये जो है ना गोश्त काट रहे हैं, ये लाइव चिकन का गोश्त बैठ के भाई काट रहे हैं, वहाँ पे जो है टमाटर भरे हैं, ये बन रहा है कटाकट, आप लोगों को नज़र आ रहा हो ये कटाकट बन रहा है भाई। ये नीचे पूरा इनका किचन है, गोश्त भाई मज़े से काट रहे हैं चिकन को, गहमा गहमी एक लगी हुई है, सामने लोग बैठे हुए हैं, हर तरफ लोग बैठे हुए हैं, बलून वाले भी घूम रहे हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं हर जगह। अभी इनका मेन्यू आ गया, मेन्यू भी इन्होंने चेंज कर दिया, पहले से भी इनका ना कार्ड हुआ करता था। अच्छा, इसमें जब मैं बात कर रहा हूँ ना वो मैं बात कर रहा हूँ बीफ बिहारी बोटी की, ये जो है देखिए 380 रुपये, इस प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप इनके सारे कबाब देखें 500 के अंदर अंदर ही हैं, बहुत बेहतरीन होता है। मतलब अभी लास्ट टाइम मैंने एक जगह ट्राई किया था जो आजकल बड़ी मशहूर चल रही है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ मैंने ट्राई किया था, बड़ा दूर जाके मैंने ट्राई किया था, बट क्योंकि वो वायरल हुई थी वाले जो रेस्टोरेंट है
मैंने जाके ट्राई किया बट मज़ा नहीं आया। अच्छा था बट ये मेरे घर के करीब भी है और उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा है, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पर आए और हम यहीं पर ही आते हैं। वहाँ एक दफ़ा गए थे, उस बाद दोबारा नहीं गए। तो 380 रुपये मेरा नहीं ख्याल कि आपको कहीं पे और मिलेगी। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मेरी रिकमेंडेशन भी होगी कि ये बीफ बिहारी बोटी जो 380 रुपये का, ये ज़रूर ट्राई करें। इसका बिल्कुल बिल्कुल ही अलग ही लेवल है। ब्रेन मसाला भी ट्राई करें। ब्रेन मसाला भी, ब्रेन मसाला कहाँ पर है भाई? चलें। अच्छा, दूसरा हमने अभी कल परसों में कहीं पे देखा था, कौन सा कबाब था वो? धागा कबाब। मेरी वाइफ ने ना अभी किसी एक को यूट्यूबर हैं उनको जो है ट्राई करते हुए देखा था यहाँ पे धागा कबाब, उसकी उन्होंने बहुत तारीफ की थी, तो शायद वो भी अच्छा हो, तो देखते हैं अगर वो मंगवाना है तो। फिलहाल तो हम ये भी बिहारी बोटी तो हर हाल में करेंगे भाई। और ब्रेन मसाला कहाँ है? कटाकट में आ गया ब्रेन फ्राइड। ये देखें, ब्रेन फ्राइड भी इनका सिर्फ 430 रुपये का। कटाकट 580। तो मतलब बहुत ही सस्ती प्राइसेज हैं। खाना बड़ा अच्छा है, खाना बहुत टेस्टी है इनका, ज़रूर ट्राई करिए, लीजिएगा आप, लीजिएगा ऑर्डर ले लीजिएगा। अच्छा, एक जो है ना, एक नहीं दो, एक धागा कबाब कर दीजिएगा। धागा कैसा होता है वैसे? आगा बीफ का होता है, कीमे कीमे के फॉर्म में होता है, सही होता है। एक धागा कबाब कर दें, ठीक है, और दो बीफ बिहारी बोटी कर दें। ग्रेन करना है और एक दो बीफ बिहारी बोटी कर दें। अच्छा, बीफ बिहारी बोटी ना थोड़ी सॉफ्ट करवाइएगा, मतलब गलाइएगा ज़्यादा, ठीक है। दो बीफ बिहारी बोटी, पिछले हफ्ते हम आए थे ना तो थोड़ी सी ना हार्ड लग रही थी हम लोगों को, तो थोड़ी सी सॉफ्ट वाली करवाइएगा, ठीक है। दो बीफ बिहारी बोटी हो गई, एक धागा कबाब हो गया, और एक अपना जो ब्रेन फ्राइड है ना, ब्रेन फ्राइड ले आइएगा। और पराठा बता दो, ठीक है, ब्रेन मसाला। साथ में दो पराठे करें, तीन करें, तीन पराठे साथ में ले आइएगा। और बात नहीं, साथ में ना क्या करो तुम, ये क्या छोटी छोटी लेकर आए हो? सारा तो तुमने घर पे लाया है। तुमको पता क्या उन्होंने क्या मंगवाया? पता है तुमको क्या मंगवाया? मम्मी एक तो पता है। क्या पता है? बिहारी कबाब। और तुमको पता नहीं बिहारी कबाब? पराठा। और पराठा, पराठा नहीं फलाटा। और क्या मंगवाया? धागा कबाब पता है? धागा होगा उसका, पे धागा होगा जिससे कपड़ा सीते हैं ना, थोड़ा धागा होगा। अब्दुल्ला तुम्हें सारे धागे निकालने हैं फिर। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, उसमें ना धागे होंगे बहुत सारे। और एक मंगवाए ब्रेन, अभी तो मुझे असली में ये खाने का तंत्र कर ले। उसमें ना काऊ का ब्रेन होगा ना, एक काऊ का ब्रेन मंगवाया अलग से। मजाक में गया, नहीं नहीं वाकई मंगवाया है। एक कोई नहीं मंगा कर ले। तो ब्रेन मसाला क्या होता है? नहीं पता मुझे। नहीं पता, बस खा लेते हो। ब्रेन ना बेटा, ब्रेन ब्रेन दिमाग, ब्रेन का मतलब काऊ का ब्रेन होता है। कटाकट 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 तो वो काऊ का होता है? नहीं होता, मजाक कर ले ये सब। नहीं, अरे तो किसका होता है ये बताओ? गाय का होता है, तेरे मजाक कर ले। हाँ, रेस्टोरेंट दिखाने का, बट रेस्टोरेंट दिखा नहीं सकते क्योंकि फैमिलीज बहुत सारी बैठी हुई हैं, खाना खा इतराज इतराज हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको कवर नहीं करता। बट स्टिल इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। अगर मुझे मौका मिला, अगर फैमिलीज चली गई, कुछ खाली हुआ, तो मैं थोड़ा सा दिखा दूँगा। एक समझ में, छत है, छत के ऊपर इन्होंने लाइटिंग शाइटिंग करके प्रॉपर ग्रिलिंग वगैरह करके टेबल वगैरह लगा दी है। पहले इनका सिर्फ रोड साइड पे, जैसे वहाँ लड़के बैठे हुए ना, और हमने इसीलिए इस तरह का सेटअप था, तो यहाँ पर रोड के ऊपर, क्योंकि कराची में मामला बड़े ख़राब हैं, स्नैचिंग वगैरह है। इन रेस्टोरेंट्स में जो कस्टमर आया करते थे उनको भी जो है यहाँ पर स्नैचिंग में जो है लूट लिया करते थे बहुत सारे हमारे डकैत भाई। तो इन्होंने मेरे ख्याल इसीलिए ऊपर का सेटअप कर दिया है, तो फैमिली थोड़ा सा कंफर्टेबल और रिलैक्स रहती है कि भाई ऊपर चलो, फिर भी सुकून है। गाजर और प्याज, ये गाजर बेहतरीन, वो चटनी नहीं है जो इनकी एक मशहूर ज़माना चटनी है ना, वो चटनी ख़त्म हो गई है, कह रहे हैं कि रश की वजह से चटनी ख़त्म हो गई है। अल्लाह के हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं, इससे पहले के गाजर खा ले, खुद हैंड सैनिटाइज कर दिए। ये चटनी आ गई, ये मेरी वाइफ ने थोड़ा सा इनसे कहा कि भाई लास्ट टाइम भी आए थे तो अवेलेबल ही थी, तो इस टाइम इन्होंने पता नहीं कहाँ से अरेंज करके ना निकाल ही ली। तो पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ हमारे पास किताब सारा आ गया हमारा। ये आ गई भाई बिहारी बोटी, नहीं ये धागा है, ये बिहारी और वो बिहारी, और ये आ गया ब्रेन फ्राई पराठे। यह ठंडे पानी की बोतल ले आओ, छोटी, हाँ छोटी। ये देखें भाई क्या बेहतरीन है यार, ओहो सॉफ्ट भी है। ये है धागा कबाब, दिखाओ, ये धागा कबाब है और वो आ गया बिहारी कबाब, ये आ गया भाई ब्रेन। चलें भाई, ये मेरा फेवरेट, इसको पहले मैं ऐसे ही ट्राई कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
मज़ा आ गया बेहतरीन। थोड़ी चटनी आगे करो यार खाने के लिए। एक पहला नहीं आ रहा, खिलाता हूँ बेचारा, बहुत देर से भूखा है। कोल्ड ड्रिंक उसमें ले आए, कैन में ले आए, स्प्राइट हाँ ठंडी ले आओ। एक तो ये आ गया मेरा पहला निवाला, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रात से मुझे कहा था बेगम ने आज जनरल जाएंगे, यकीन कर सुबह से ना मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे खाना खा के चल रहा था, खैर मैंने बताया नहीं रहा है, दिमाग में सुबह से चल रहा है कि मुझे रात में बाल्टी खाना है, जाके प्यारी का खाना चल रहा है। बहुत मज़े का, बहुत आला, बहुत बेहतरीन। अब ये ब्रेन फ्राइड भी हाथ के हाथ में खा लेता हूँ ताकि मैं जो है ना फिर ये वीडियो यहाँ पे रोक के फिर सुकून से खाऊं, एंजॉय करूं। मेरी वाइफ ने भी लिया, लेकिन वाला मैंने भी एक आ गया भाई ब्रेन फ्राइड सुधार मान रहे हैं। बहुत बेहतरीन यार, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर, जो जो लोग इस वीडियो को देखें जो कराची में रहने वाले हैं, भले दूर में दूर रहते हों, नॉर्थ में आए, फाइव स्टार की चौरंगी के पास उनका बना हुआ है, ज़रूर ट्राई करें, यकीन आप नीचे ना आप लोग दुआई देंगे मुझे। सब धागा वहाँ पे, धागा वहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, इसमें से धागा बाद में निकालूंगा मैं, पहले ट्राई कर लूँ। धागा भी बहुत अच्छा है भाई, बहुत बेहतरीन खाना है यार। बस अब मैं खाना खाऊंगा सुकून से, इंजॉय करूँगा। अब्दुल्ला भी बेचारा बैठा हुआ है। हाँ थैंक यू सो मच, नाम नहीं पता जिन्होंने रेकमेंड किया था धागा कबाब, बड़ा अच्छा धागा कबाब भाई, धागा कबाब मैंने पहली बार ट्राई किया है। ठीक है तो अब खाना खाते हैं, फिर आपसे जो है खाने के बाद मुलाकात करते हैं। भाई खाना शाना खा लिया हम लोगों ने, बड़ा मज़ा आया खाना खा के। अब ये है कि भाई बिल आ गया, ख़तरनाक मरहला, देखते हैं कितना बिल आया, बिल पे करते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। ठीक है जी, चले जी, खाना पीना सब हो गया, बिल शिल भी हो गया, अब बस हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो बताइएगा, मेरी रिकमेंडेशन पे यहाँ ज़रूर आइएगा, डॉनिजल नाम है रेस्टोरेंट का। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, आप लोग देख के इंजॉय करते हैं। ठीक है जी, ये सेटअप है छत के ऊपर, छत नहीं है फर्स्ट फ्लोर है बेसिकली, यही समझ लें छत है क्योंकि डबल स्टोरी ये बना हुआ है प्लॉट, तो ये सेटअप है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।